तारे मंगता द्वारे खड़ा, बरसाओ घटा पार प्रेम रंग दीजे वहाँ, 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 सूरत भीजे अमीर सदार तन मन होवे हरा, सूरत भीजे अमीर सदार तन मन होवे मेरा जीवन सुफल हुई जाए तुम गुण गाओ सदा, मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाओ सदा, मेरा जीवन सुफल हुई जाए तुम गुण गाओ सदा, मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाओ, मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा, मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमगाऊ दया, मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमगाऊ दया, स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो, स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो, सदगुरु जी पिता हमार जल्दी पार करो, सदगुरु जी पिता हमार जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार मैं हर कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार मैं कर देखो जरा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, जय गुरुदेव मिले स्वामी चले आओ, बहुत दिन हो गए दर्शन मिले स्वामी चले आओ, ध्यान में अब मेरे आकर दर्श अपना करा जाओ, ध्यान में अब मेरे आकर दर्श अपना करा जाओ, दयालु हमको रह रह कर तुम्हारी याद आती है, दयालु हमको रह रह कर तुम्हारी मगर नैनों से क्यों हो दूर स्वामी पास आ जाओ, मगर नैनों
से क्यों हो तू स्वामी पास जाओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मेरे स्वामी चले आओ। बहुत दिन हो गए तुम्हारे नाम की माला मेरा मन रोज जपता है। तुम्हारे नाम की माला मेरा मन रोज जपता है। न तड़पाओ मेरे प्यारे गुनाहें माफ फरमाओ। तड़पाओ मेरे प्यारे गुनाहें माफ फरमाओ। तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं कर्म का बोझ ला दे हूँ। तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं कर्म का बोझ ला दे। गिरह की आग जलती है इसे आकर बुझा जाओ। गिरह की आग जलती है इसे आकर बुझा जाओ। महानंद सागर से भरी वो आपकी आँखें। महानंद सागर से भरी वो आपकी किधर पर साब करती है इधर पर साथ कर जाओ। किधर पर साब करती है इधर पर साथ कर जाओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मेरे स्वामी चले आओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मेरे स्वामी चले आओ। ध्यान में अब मेरे आकर दर्श अपना करा जाओ। ध्यान में अब मेरे आकर दर्श अपना करा जाओ। जय गुरुदेव खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो। जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भट को मत जग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। तीर्थ व्रत कर मचाया। तीर्थ व्रत कर मचाया। ये अटकावे मग में। ये अटकावे मग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। जब लग सत गुरु मिले ना।
पूरे जग लग सतगुरु मिले न पूरे पड़े रहोगे अग में पड़े रहोगे अग में खोजरी पिया को निज घट में खोजरी पिया को निज घट में पंडित काजी बेक शेक सब पंडित काजी बेक शेक सब अटक रहे डग डग में अटक रहे डग डग में कोजरी पिया को निज घट में इनके संग पिया नहीं मिलना इनके संग पिया नहीं मिलना पिया मिले कोई साध समग में पिया मिले कोई साध समग में कोजरी पिया को निज घट में यह तो भूले विषय बास में यह तो भूले विषय बास में भर मग से इनकी रग रग में भर मग से इनकी रग रग में कोजरी पिया को निज घट में जब लग संत मिले नहीं तुमको जब लग संत मिले नहीं तुमको खाए ठगोरी तो इन ठग में खाए ठगोरी तो इन ठग में कोजरी पिया को निज घट में सतगुरु शरण गहो तो सतगुरु शरण गहो तो रलो ज्योत जग मग में रलो ज्योत जग मग में ओजरी पिया को निज घट में ओजरी पिया को निज घट में जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऊपर के सभी धनियों को नमन करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र पर विराजमान आपकी सूरत को प्रणाम करता हूँ। साधन भजन क्यों नहीं बनता या क्यों दिक्कत होती? गुरु महाराज ने कथा सुनाई थी, चार दोस्त भांग छान कर
नदी किनारे आए घाट पर, तो विचार किया कि चलो नाव पे घूम के आते हैं। अपने कपड़े उतार के किनारे पर रखे और नाव बैठ गए, चलाने लगे। रात भर नाव चलाई, फिर विचार किया कि हम लोग कहाँ हैं, लगता है बहुत दूर आ गए। तो एक ने कहा कि हाँ लगता है बहुत दूर आ गए, नाव तो किनारे किनारे चल रही लेकिन कपड़े दिखाई नहीं पड़ रहे, तो लगता है कि बहुत दूर आ गए। तो एक को कहा कि जरा देखो कितनी दूर आ गए। तो उतरा, घूम घाम के आया, दौड़ते हुए आया, बोला बेवकूफों उतरो, नाव बंदी है और तो कपड़े चोरी हो गए। जब तक नाव बंदी रहेगी नाव कहीं नहीं जाएगी। ये किसी चार मित्रों की नहीं आपकी कथा है। अव्वल तो आप नशे में, जगत के नशे में, अंतकरण के मन बुद्धि चित्त अहंकार के नशे में, और आपने खुद को इतना बांध लिया एक नहीं दो नहीं अनगिनत रस्सियों से, जबकि आकाश छूने के लिए आपको रस्सियां तो तोड़नी पड़ेंगी और हल्का होना पड़ेगा। आपने कितने भारी भारी बोझ ओढ़ लिए और कहते हो कि माया ने पकड़ा, पकड़ा आपने और कहते हो कि माया। हुजूर ने बताया कि यहाँ तो माया नहीं, माया की छाया है, माया की छाया है, माया नहीं। माया तो बड़े बिरलों को, माया तो बहुत ऊपर और बहुत बड़ी शक्ति है, तो आप तो अभी माया तक पहुंचे ही नहीं। ये नीचे जो असर है ये माया का नहीं है, ये जो माया है ये शक्ति या विद्या माया, ये विद्या और प्रभु विद्या, ये सब कुछ नीचे ये शक्ति का खेल है। जो कहते हैं काल के दूत हैं तो शक्ति के दूत हैं, जो काल पुरुष हैं वो तो भजन पे बैठे अपने मालिक की याद में तड़प करके, लेकिन उन्होंने आदेश दे दिया तो जो नियम बना दिया वो नियम बनेगा। जैसे मैं कोई नियम बना दूं तो आपको उससे कोई मतलब नहीं कि मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे संबंध कैसे हैं क्या हैं मालूम नहीं है। मुझे तो यही कहा, जैसे दुकानदार कोई है और उसने अपने कर्मचारियों को कह दिया कि ये चीज़ दो की बिकेगी, ये चीज़ पांच की, ये चीज़ सात की, ये चीज़ सौ की, तो जितने में कह दिया कर्मचारी तो उतने में ही बेचेगा, लेकिन दुकानदार चाहे तो वो मुफ्त में भी दे सकता है। बात को समझो, तो उन्होंने तो नियम बना दिया तो नीचे वालों को तो पता नहीं। इसलिए काल के दूत दयाल को नहीं जानते, अरे ये तो अपने पिता को नहीं जानते। काल के दूत, जिनको काल के दूत कहते हो, ये शक्ति के दूत हैं, ये आद्यामा शक्ति के दूत हैं। इनको काल के दूत कहते हैं क्योंकि उनकी मौत से ही ये सब कुछ नीचे विस्तार हुआ। तो ये जो उनके पुत्र हैं तीनों, इन्होंने अपने पिता को नहीं देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहाँ देखा, नहीं देखा। केवल ब्रह्मा को आवाज सुनाई थी और किसी को नहीं, तो सबको बिठा दिया साधना में, जंगल भेज दिया या जो भी समझ लो,
मूल बात यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनको बहुत लंबे समय तक साधना में बिठाया और पूछा कि तुम्हें दर्शन हुए पिता के, तो विष्णु ने कहा नहीं, महेश ने कहा नहीं। ब्रह्मा को आवाज सुनाई पड़ी, उन्होंने कह दिया कि हाँ मुझे हुए, उनको तो पता था। तो उन्होंने कहा कि तुमने सही नहीं कहा, तुमने असत्य संभाषण किया, जाओ अब सृष्टि में, तुम्हारी पूजा नहीं होती, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। तो नीचे ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भी अपने पिता का बोध नहीं, ये अपने पिता का ध्यान करते हैं यानी काल पुरुष का, लेकिन नीचे जो पंडित हैं वो उनको तो पता नहीं, वो तो जानते भी नहीं कि काल पुरुष कौन है। तुमसे पूछोगे कि विष्णु किसका ध्यान करते, तो बोले गया कि महादेव का। बोले महेश किसका ध्यान करते हैं, तो बोलेंगे कि विष्णु का। ब्रह्मा किसका ध्यान करते, बोले विष्णु का। आपस में दूसरे का ध्यान ऐसा नहीं, ये अपने पिता का ध्यान कर रहे, ये भी बड़ी मेहनत करते, एक कम मत समझना। ये जो पिंड लोक है, गुरु महाराज ने साफ साफ बताया, और जब आप चढ़ोगे तो अनुभव करोगे कि यहाँ तो बहुत झमेले, बहुत झमेले। नीचे झमेले कम है क्योंकि यहाँ पे अंतःकरण आपके देह का हिस्सा नहीं है, लेकिन वहाँ पर तो बहुत झमेले, वहाँ बहुत विवाद होते हैं, बहुत अहंकार है, बड़े कष्ट हैं। ऊपर तो बहुत सी जगहों पे तो बड़ी बहुत झगड़े होते। जो आपने कथा सुनी, कथा सांकेतिक है अलग तरीके से, लेकिन लड़ाइयों की कथा है, ऊपर होता है। तो ऊपर तो बड़ा विचित्र, अगर लिंग शरीर वालों को वापस लौटना है तो नर्तन में आने के बाद ही, हालांकि मालिक की मौज तो उन पर भी होती, लेकिन जितना आप एहसास कर लेते हो वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो दयाल को नहीं जानते। हाँ, जब दयाल का कोई जीव वहाँ फंस जाता है तो वो निकालते हैं। मालिक की मौज आप जानते नहीं हो। बहुत से लोगों को भ्रम है कि गुरु महाराज ने पकड़ लिया तो पार कर ही देंगे। देखो, भ्रम नहीं है, बात तो सच्ची, लेकिन कैसे पार कर देंगे, कैसे पार कर देंगे समझो। अभी तो आप आराम से बैठे हो, अच्छी जगह बैठे हो। अगर आप भजन नहीं करोगे तो आपको अगली बार दीनहीन बना दिया जाएगा, दीनहीन। अभी जो आपके कष्ट है ये तो कुछ नहीं, जब एकदम लाचार हो जाओगे तो भजन के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा मत होने दो, उनकी मौज बहुत है आपके ऊपर, मालिक को आपसे बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। इतनी बड़ी दौलत उन्होंने आपको दी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस जगत पे कितने जीव, 84 लाख जेलों में फंसे, उनमें मनुष्य इतने से, उस समुद्र में इतने से, और उसमें से आपको नाम का दान मिला, आपको मार्ग मिला, रास्ता मिला। तो सोचो कितने भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली हुआ। और उस पर से भी आपको भ्रम हो जाता है, उस पर से भी आपको संदेह हो जाता है, तो क्या कहें। गुरु महाराज को आपसे बहुत प्यार है। अब ये सब क्या हो रहा, ये सब आराम से देखो, निर्विकार भाव से,
आपको सब समझ में आएगा, वक्त आएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भ्रमित मत होना, अपने भीतर जाओगे, नियमित अभ्यास करोगे तो सब समझ जाओगे सब कुछ। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो जर्रा धूल, लेकिन जो मेरा मुर्शिद है सब सब कुछ है। वो सब कुछ है। वो क्या है ये बताने के लिए शब्द नहीं, अल्फाज नहीं, लफ्ज नहीं है। जब आप चढ़ते हो, जब भी अभ्यास करोगे तो उस तीसरे तिल से ही आपको उनका बोध होना शुरू हो जाएगा। तो आपको अपना बोध भी हो जाएगा, मेरा बोध भी हो जाएगा, उनका बोध भी, सारा बोध होना शुरू हो जाएगा। तब आप पहचान जाओगे सब कुछ। जब आप ऊपर चढ़ोगे तो जो पहला जो किवाड़ है ये भूल भरम का है, ये भ्रम। और जब ऊपर चढ़ते हो तो शक्ति के धाम से जब आगे बढ़ते हो तो वो जो वज्र किवार है वो अविद्या माया का। और जब आगे बढ़ते हो तीसरा जो बकनाल, तो ये काल के काल का। तो ये जब आप चढ़ोगे तो सहज दल कवल के ऊपर ऊपर भी सहज दल कवल और सिक्योरिटी के बीच में भी दो धनी वहां भी बैठे। कभी बुजुर्ग की मौज हो जाए तो सब खोल दूंगा। जो मकामी वहां पे भी दो धनी बैठे सहदल कवल के ऊपर, नब इन्हीं को पहली सुध भी कहते हैं। इसके ऊपर भी धनी, इसके ऊपर भी स्थान है, और फिर उसके ऊपर त्रिकुटी है। तो ये रचना जब बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप चढ़ोगे तो आपको एक एक चीजें सब स्मरण, सत्संग सुन, सत्संग का पूरा स्मरण हो जाएगा कि ये तो बताया गया, ये तो सुनाया गया। तो जब जीते जी सब कुछ मिलेगा, जब भजन पे बैठोगे तो सत्संग की और महीन चीजें आपको सुनाई पड़ेगी। हो सकता है कि जो अभ्यासी हो उसी के लिए कहा जा रहा हो कुछ, बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा। ऐसे ही त्रिकुटी और दसवें द्वार के पीछे भी एक द्वार, उसके पीछे भी, उसके बीच में भी। और जब ऊपर चढ़ते हो तो मानसरोवर और भौर गुफा के बीच में भी। तो ये मुख से कह दूंगा तो आप भ्रमित हो जाओ, समझ नहीं पाओगे। लेकिन जब अभ्यास करोगे तो आपको हर चीज महसूस करा दी जाएगी। तो अभ्यास के लिए देखो क्या जरूरी है, सहज रहो, कीचड़ में कवल की तरह रहो। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप जगह बना लो हम छोड़ के सब आ जाएंगे, ना छोड़ना कुछ नहीं लेकिन पकड़ना भी कुछ नहीं।
छोड़ना भी कुछ नहीं, पकड़ना भी कुछ नहीं, मैं तो इसी जगत पे रहता हूँ। बहुत से लोगों को बड़ा भ्रम हो जाता है कि अरे ये तो बड़ी 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 जगहों पे रहते हैं। बहुत बार तो जहाँ कोई जीव नहीं होता, कोई कोई संपर्क नहीं होता, वहाँ पे तो बड़ी जगहों पे रुकना पड़ता। अरे भाई ये जगत उस दयाल का है, सारी रचना उसकी है, उसके जीव कहाँ कहाँ जाके बैठे, तो सब जगह आप ये देखोगे कि अरे ये तो ऐसे होता था, ये ऐसे क्यों, तो फंस जाओगे। बाहर से देखोगे तो उलझाव होगा, बाहर से देखोगे तो उलझाव होगा। तो जो 50-60 वर्ष पहले का साधक है वो कहेगा रही ये तो लाइट की क्या ज़रूरत है, ये पंखा की क्या ज़रूरत है। जैसे जैसे बदलाव हुआ, चीज़ें बदलती गई, आपकी आदतें बदलती गई। जीव ने जब देह छोड़ा और दूसरी कई सारी देह से गुजरता हुआ वापस मनुष्य देह में जब आया, नर्तन में आया, तो कर्मानुसार कोई यहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ, तो उसको ढूंढने तो वहीं जाना पड़ेगा, तो उसको ढूंढने वहीं जाना पड़ेगा। तो बाहर से देखोगे तो फंस जाओगे। तो ये आपको तो नहीं कहा गया, आपको तो केवल अपने भीतर जाने के लिए कहा गया। बाह्य जगत से कोई बहुत ज़्यादा सरोकार अच्छा नहीं है। मैं भी बाहर रहता हूँ, कीचड़ में कमल की तरह रहो, इसको न छोड़ो न पकड़ो। मैंने कई बार कहा कि आप इस जगत में रहो लेकिन जगत आप पे न रहे तो यही स्थिति संन्यास है। जो जैसे रखे वैसे रह लो, झोपड़ा है तो ठीक है, बहल है तो ठीक है। तो ये रस्सी बंधी नहीं होनी चाहिए, जो मिल गया ठीक है, जो खो गया ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं अरे 20 वर्ष पहले ऐसे तो ऐसा था, अब वैसा कब होगा, क्यों वैसा क्यों हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। हो सकता है कि उससे बहुत कम हो सकता है, उससे बहुत ज़्यादा हो, वैसा क्यों चाहते हो। ये सांसों की पूंजी दिन रात सरकती जा रही, मुट्ठी की रेत की तरह। अगले 10 सालों में तो बहुत से लोग यहाँ जो बैठे हैं तो बात को समझो, हर तरह से प्रसन्न रहो, कृतज्ञ रहो, सहज रहो, साक्षी भाव से देखो, जो होता है उसे होने तो, सब मालिक के बल से। अगर आपको कोई दर्द है, कष्ट है, ये तो आपके ही है ना, कोई आपको दे के नहीं चला गया। कोई भी, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अरे उसने फलाने कुछ करा दिया है, कुछ काली विद्या कर दी। अरे काली विद्या तुमने ही खुद पे कर ली, तुम्हारे कर्म ऐसे थे तो तुमको ये भुख भोगना था। तो वो तो बात को समझो, जो कुछ भी आप भोग रहे ये सब आपके अपने खाते, कोई आपको आपका बुरा कर दे ये ऐसा नहीं हो सकता। आपने ही खुद का बुरा किया था, ये तो आ गया, वो माध्यम बन गया और व्यवस्था हो गई, उसके भी कर्म बिगड़े। यही तो चक्कर है ना, ये जगत बड़ा चक्कर, इसको ऐसे समझ नहीं पाओगे। इतना बड़ा खेल कर दिया शक्ति ने, और जब ऊपर चढ़ोगे तो इससे बड़े खेल है वहाँ। तो माया का, माया की उपासना क्यों नहीं कराई गई, क्योंकि ब्रह्म और माया में बहुत फर्क है। ब्रह्म के विपरीत ही माया है, लेकिन अगर माया की उपासना करा दी जाए तो माया आपको इतनी गति से खींच लेगी, इतनी गति से कि आप समझ भी नहीं पाओ। इसलिए माया की उपासना नहीं कराई गई।
नीचे विद्या माया भी वैसी तो नहीं है, उनका बस इतना सा, उस माया का बस इतना सा हिस्सा, लेकिन ये भी इनकी भी इतना सा भी बहुत है। आप भ्रमे रहते हो, भ्रमित हो जाते हो, शक में पड़ जाते हो, आपको सब पता है लेकिन उसी में तड़पते रहते हो, सब जानते हो आप। जब युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि सबको सब कुछ पता है, फिर भी मनुष्य जान के भी अनजान बन रहने की कोशिश करता है। सबको सब कुछ पता है, आपको भी पता, फिर भी आप भ्रमित होते रहते हो। देखो संदेह मत करो, ये मुझ पे शक करके क्या कर लोगे, मैं तो कुछ आपसे बहुत कम मिलने वाला हूँ, न तो कोई मैं बड़े कार्यक्रम करता हूँ, न किसी को बुलाता हूँ, वो तो आप एक दूसरे जुड़े तो कुछ दो चार दस लोग ये जुड़ गए, आप लोग 100-200 हज़ार 2 हज़ार 10 हज़ार जो भी जितने भी, और आपका प्रेम है तो मैं कहता हूँ कि आ जाओ, जो मैं खाता हूँ तुम भी खा लो, तो आज जो खाना आपने खाया मैंने भी वही खाया, दूसरा कुछ नहीं खाया, वही खाया। तो जैसे अब ये है कि अब इस कमरे में जगह थोड़ी है, तो आपको कहीं पे व्यवस्था कर दी, कच्ची पक्की जैसी भी हुई, अगर कोई कमी रह जाए तो माफ़ कर देना, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी संगत तो है नहीं। ले दे करके हमारे ये एक सुरवे जी यही सब कुछ करते, तो यहाँ पर व्यवस्था तो है नहीं मेरे पास। अब लोग बढ़ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो जैसे होना है होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु महाराज ने जो मुझे निर्देश दिया है नए लोगों को जोड़ने का, तो मैं चुपचाप काम कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि जब कोई तुम्हें पुकारे तो उसकी मदद कर देना, तो इसमें आप सब भी शामिल हो गए, तो आप तो मेरे अपने हो और आप सबसे मुझे बहुत प्रेम है, लेकिन आपको भी उस प्रेम की लाज रखनी है। जो हुजूर ने कहा कि वही बात मैं कहता हूँ, किसी की निंदा मत करो, यही मुझसे प्रेम है। अगर आप उसे प्रेम करते हो तो किसी का अपमान मत करो, किसी की निंदा मत करो, सहज भाव से देखो, एकदम शांत रहो, चौकन्ने रहो, क्योंकि जगत तलवार की धार है, सतर्क रहो, लेकिन किसी को आपसे भूल से किसी का अपमान हो जाए नहीं, होशियार हो। और नियमित ध्यान भजन बहुत जरूरी है, जब समय मिले तब सुमिरो, ऐसा नहीं कि खाली माला घुमानी, माला एक व्यवस्था है, नियम बहुत जरूरी है, नियम बहुत जरूरी है। लेकिन हर आती सांस पे जाती सांस पे जब तक सुमरोगे नहीं बात बनेगी नहीं। तो ये कैसे, तो ये अभ्यास की बात है। जब कोई काम ना हो तो फालतू का ये बैठ जाते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, तो मैं ये नहीं कहता कि मत देखो, क्योंकि जगत समय बदल चुका है, और मैं अगर आपको मना कर दूंगा तो आप मानोगे तो है नहीं, ये भी छूट जाएगा वो भी छूट जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत देख लो जो काम की चीज़ें हैं, और रख तो इसको और आँख बंद कर लो, दृष्टि को रोकने की कोशिश करो। जब भी समय मिले, आप दो लोग चार लोग बात कर रहे हो, अब बात विराम लग गया, नई बात नहीं है, आँख बंद कर लो और दृष्टि को टिका दो। जब नियमित अभ्यास, ये साधन, ये जो ध्यान भजन आपने किया सुबह और रात में, जब जब भी, उसके अलावा
जो कोई काम नहीं है मालिक को सामने खड़ा कर दो, आँख बंद कर लो या खुली आँख से ही सही। जब बार बार गुरु महाराज को, सदगुरु को बीच में खड़ा कर दोगे तो ये मन कमज़ोर हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, फिर चलेगी नहीं इसकी। तो बात सुबह अधूरी रह गई कि वो जो बताया कि माताओं के, देवियों के जो सिंदूर है उसका अर्थ तो बताया, और ये तिलक भी और भस्म भी, तो ये तिलक भस्म का अर्थ वो नहीं, ये जो तिलक है ये तो ध्यान के लिए लगा। जब यहाँ पे कुछ लगा देते हो, बिंदी लगा देते हो, कुछ तिलक कर देते हो, पपड़ी सी बन जाती है, तो बार बार ध्यान यही जाएगा, यही जाएगा। तो मैं तिलक लगाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन क्यों लगाया गया ये इसका विज्ञान बता रहा हूँ, इसकी व्यवस्था बता रहा हूँ कैसे हुआ था। और ये जो भस्म है ये किस लिए, तो अंतकरण यहीं पे है। जब कुछ चुनचुनाहट सी होती है तो इतने से ही काबू हो जाता है अंतकरण, तो यहीं पर उसको बांध दिया जाता है। तो एक लेप लगा दिया तो अंतकरण फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार जरा कमजोर पड़ जाता है। इसलिए बहुत से पंथों में भस्म लगाने का प्रचलन है। देखो मार्ग सबका वहीं लेके जाएगा, कोई 5 पे जाएगा, कोई 6 पे जाएगा, कोई 7 पे जाएगा, कोई 8 पे जाएगा, कोई 9 पे जाएगा, इससे इधर उधर कुछ नहीं, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई वहाँ तक जाएंगे तो सब, क्योंकि सब कुछ सिमट जाता है और सिमट जाएगा। तो ये जो स्थूल देह है, ये पिंड देह, इसका जो तत्व है ये सब 5 तत्व, इसका जो भोजन है ये स्थूल भोजन जो आप करते हो, लेकिन जब देवी देवताओं को आप भोग लगाते हो ये तो सांकेतिक है, ये तो खाते नहीं है। तो आप भोजन, आप जो यहाँ पर आपकी इंद्रियाँ हैं, 10 इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, लेकिन आप इनसे ग्रहण करते हो, इससे भोग भोगते हो। लेकिन जो लिंग देह वाले हैं उन, वो सिर्फ नासिका से, जो उनकी इंद्रिय है उनका जो भोजन है वो सुगंध है नासिका से। इसके ऊपर जो सूक्ष्म देह है उनका जो भोजन है वो नूर, उनका, उनकी जो इंद्रिय है, नेत्र समझ लो, और उसके ऊपर जो कारण देह है, कारण शरीर 5 तत्वों की, उसकी जो इंद्रिय है वो कान समझ लो, क्योंकि उसका जो भोजन है वो शब्द। जब आप अभ्यास करोगे तो इस सब का अनुभव होगा। अभी तो आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ बताया जंगल में एक पत्ते जितना, और पूरा जंगल पत्तों से भरा पड़ा, इतना ही। तो अभी तो आपको बहुत कुछ जानना है, ये तो कुछ नहीं जाना। जगत ने ये जो किताबें लिखी पढ़ी, देखो सब में एक ही सी बात है, संत मत की पुस्तकें तो खोला नहीं गया, और बहुत से तो लोगों ने देखा देखी लिख दिए, देखा किसी ने उसी की बात को घुमा फिरा के कह दिया। यही तो गुरु महाराज को चिंता थी कि सब पंडित बन जाएंगे, तो अभी तो बहुत कुछ खोल दूंगा, इंतजार करते रहो, ध्यान भजन करते रहो, तो जब इस देह से जाऊंगा उसके पहले बहुत कुछ खुल के जाऊंगा। संदेह में मत पड़ना।
क्योंकि संदेह तेजाब है। कुछ लोग आज चले जाएंगे तो कुछ लोग रह जाएंगे, तो उनसे सुबह फिर मुलाकात होगी। कुछ लोग दिन में जाएंगे, कुछ लोग रह जाएंगे, जो रह जाएंगे उनसे फिर शाम को मुलाकात हो जाएगी। तो मैं आप सबसे बड़ा प्रेम करता हूँ, तो जो सुबह आपसे कहा कि इस प्रेम की कोई सौगात देते जाओ, कोई तोहफा, कोई दक्षिणा, तो दक्षिणा कौन सी है? रुपया पैसा तो नहीं, ये तो मैं आपको दे दूँ, मुझे क्या दोगे आप? तो ये नए साल में अपनी कोई बुरी आदत छोड़ के जाना, ये निंदा छोड़ दो सबसे बड़ी चीज़, और उसके बाद दूसरी चीज़ आप दे सको तो दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है उसकी। मुझे तो नहीं चाहिए लेकिन आपके पास से निकल जाए उसकी ज़रूरत है, तो मुझे अपना क्रोध दे दो, गुस्सा दे दो, बड़ी चीज़ मांग ली अगर आप दे सको तो दे दो, लेकिन कभी अगर गलती से इस्तेमाल कर लो या कभी गुस्सा आ जाए तो अगले 10-15 मिनट में माफ़ी मांग लेना, ये गलती से ये वस्तु मेरी तो थी नहीं, मैंने तो दे दी। तो अब इस्तेमाल कर ली है तो जिस पर इस्तेमाल की है उसे क्षमा मांग लो। तो ये दो चीज़ मुझे इस नए साल में तोहफा समझ के दे दो, किसी की निंदा नहीं करना और क्रोध, क्योंकि ये क्रोध तेजाब है। देखो क्रोध और झुंझलाहट में फर्क है, आप सब में से ज्यादातर के भीतर क्रोध नहीं, झुंझलाहट है, झुंझलाते हो, परेशान हो जाते, फिर रोने की इच्छा होती है, पर दिन तो खराब हो गया ना। जब आप चिल्लाते हो उसके बाद क्या होता है? मन तो दुखी हो गया ना, तो ये तो नुकसान हो गया, ये तो बड़ा नुकसान हो गया। तो आप विचार कर लो, और अगर ना दे पाओ तो मुझे बता देना कि माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको ये तोहफा दे नहीं पाऊँगा, बहुत महंगी चीज़ मांग ली आप, तो सस्ता मांगिए तो मैं सोचूँगा। लेकिन जो मुझसे वाकई प्रेम करता है वो मुझे दे के जाएगा, जानता। अरे भाई इतनी सुविधा दे दी आपको, जब चाहो इस्तेमाल कर लो, लेकिन माफ़ी मांग लेना। तो इस साल के लिए अगली बार तो शायद ये सुविधा भी छीन लूँ आपसे, लेकिन जब आप अपना क्रोध मुझे दे दोगे तो इतना आनंद आपके भीतर पसर जाएगा, इतना सुख, इतनी मस्ती और इतना नशा। जब आपने क्रोध ही निकाल दिया तो हर स्थिति आपको अच्छी लगेगी, किसी दूसरों की नादानी आपको लगेगा कि इसे बच्चा कोई भूल कर रहा है, और आपके भीतर प्रसन्नता भर जाएगी। रख करके देखो, बोलो जय गुरुदेव। कहाँ गए मधुवर जी? आइए इधर, कुछ सुनाइए। ये राजस्थान से आए हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं, ये घूम घूम के प्रार्थना करते हैं। ये लीजिए, जो आप अपना गाते हैं वो गाइए। हाँ, जो अपना गाते हैं वो गाइए। भरोसे थारे चाले
जी सतगुरु मारी नाम भरोसे थारे चले जी सतगुरु मारी नाव चाले सतगुरु मारी नाव चाले सतगुरु मारी नाव भरोसे थारे चाले जी सतगुरु मारी नाव भरोसे थारे चाले जी सतगुरु नहीं है मारो कुटुम कबीलो नहीं मारो परिवार नहीं है मारो कुटुम कबीलो नहीं मारो परिवार आप बिना दूजो नहीं दिखे आप बिना दूजो नहीं जग में तारण हार भरोसे थारे चले जी सतगुरु मारी नाव भरोसे थारे चले जी सतगुरु सागर गहरा घना जी किस विद उतरू पार भव सागर गहरा घना जी किस विद उतरू पार निगा करूं तो नजर न आवे निगा करूं तो नजर न आवे भव सागर की धार भरोसे थारे चले जी सतगुरु मारी नाव भरोसे थारे चले जी सतगुरु मारी नाव टूटी नाव समझ है गहरा किस विद उतरू काम क्रोध मगर मच डोले काम क्रोध मगर मच डोले खावण ने तैयार भरोसे थारे चले जी सतगुरु मारी नाव भरोसे थारे चले जी सतगुरु मारी नाव सत्संग रूपी नाव बनाओ इस विद उतरो पार सत्संग रूपी नाव बनाओ इस विद उतरो पार सुरत साकड़ी ज्ञान बांसड़ो सुरत साकड़ी ज्ञान बांसड़ो केवट सिरजन हार भरोसे थारे चले जी सतगुरु मारी नाव भरोसे थारे चले सतगुरु मारी नाव कहत कबीर सुनो भाई साधो मैं तो था मझधार कहत कबीर सुनो भाई साधो मैं था मझधार रामानंद
मिला गुरु पूरा रामानंद, मिला गुरु पूरा बेड़ा कर दिया पार, भरोसे थारे चले जी सतगुरु हमारी नाम, भरोसे थारे चले सतगुरु हमारी नाम। जय गुरुदेव। और कुछ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम, नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए भागे को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भागे को हे नाथ जगाओ, नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना, नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो, इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित माला जपूं तेरी नहीं दिल से भुला देना, नित माला जपूं तेरी नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, पापी हूँ या कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ, घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ, मैं मारा हूँ मेरा दुखड़ा मिटा देना, दुखड़ा मैं मारा हूँ मेरा दुखड़ा मिटा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया
के मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदेव। देखो जितनी तड़प पैदा होगी, कशिश पैदा होगी, आपके जीवन में हर चीज में निखार आएगा। आप जो भी काम करते हो सब में निखार आएगा, और सबसे बड़ा लाभ होगा कि ध्यान और भजन बनेगा। जब मालिक के प्रति अगाध तड़प, गहरी प्यास से जब हृदय से पुकार उठेगी, तो ये अंदर की दृष्टि है कंपित हो रही है, रुक जाए, फिर रुक जाए। तो नियमित अभ्यास और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना किसी को खुश करने के लिए नहीं है। प्रार्थना से दो लाभ। प्रार्थना आपको अंदर से विराट बनाती, बहुत बड़ा बना देती, और दूसरा भाव पैदा करती। ये जो गा के प्रार्थना करते हो, जब चार लोग बैठोगे समूह में तो बहुत लाभ, एक दूसरे का भाव बनता है, और जब अकेले करते हो तो भी लाभ, आपका भाव और गहरा होता है। तो प्रार्थना ज़रूर करना, चाहे गा के करना चाहे बिना गाए करो, जैसे कर लो वैसे, सुर लगे न लगे। तो नियमित रूप से अपने भीतर उतरने का अभ्यास, ध्यान और भजन। सुमिरन का मतलब केवल माला फेरना नहीं होता। सुमिरन का मतलब कि पल पल क्षण क्षण पुकारना, सिमरते रहना। तो जब आपको वक्त मिले, समय मिले, आप खो जाओ, अपने भीतर चले जाओ, तो इससे ये जो डोरियां हैं ये कट जाएंगी। जो आप बंधे हो ऐसे छूट जाओ, आज़ाद हो जाओ, और जो होता है उससे होने दो। जब आप गुरु महाराज के चरणों में छोड़ दोगे तो सदगुरु उसकी पूरी नज़र है। भाई आपकी गाड़ी या तो आप चलाओ या आपका ड्राइवर चलाए। आपका ड्राइवर भी चलाए और उसी समय आप भी गाड़ी को चलाओ तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे ही जीवन की गाड़ी, अपना काम करते रहो आप, लेकिन मालिक को छोड़ दो। जो होगा वो सब बहुत बेहतर हो। ये बार बार शिकायत, अगर आप अंतर के लिए शिकायत करते तो बड़ी अच्छी बात थी, पर आप रोते किस चीज़ के लिए, बाहरी चीज़ों के लिए, तो देख के दुख होता, देख के दुख होता। आज भी सुबह सुबह कुछ प्रेमी आए और रोने लगे, मुझे बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि जो असली बात है वो तो मैं जानता हूँ। तो आप उसको कुछ और बताने की कोशिश करोगे तो फ़ायदा नहीं, नुकसान। तो प्रेमी कहने लगे कि मुझे दाने खिलाने के लिए मोहताज हूँ, एक दाना खाने के लिए नहीं है, मैं तो सब जानता हूँ। तो आप किसी चीज़ को बड़ा बता करके कहोगे ये लाभ के लाभ, बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जैसे एक किसान रो रहा था,
क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी गिर गई नदी पे, तो एक देवी प्रकट हुई और उसने कहा क्या हुआ? बोले मेरी कुल्हाड़ी खो गई, गिर गई पानी में। बोले मैं ले आती हूँ। वो गई और सोने की कुल्हाड़ी लेके आई, बोले ये लो। बोले ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। तो चांदी के लेके आई, बोले ये। बोले ये भी मेरी नहीं। तब उसकी असली लेके आई, बोले ये। बोले हाँ ये मेरी है। तो वो खुश हो गई, उसने कहा कि ये सब तुम ले लो। अब घर में अचानक से वैभव आ गया, उसका पड़ोसी था। उसको पूरी बात तो पता नहीं चली, बस इतना ही पता चली कि कुल्हाड़ी गिर गई थी और देवी प्रकट हुई, उसने ला के दे दिया। तो उसने भी पानी में फेंक दी कुल्हाड़ी, वो लगा रोने जोर से। तो देवी आई, बोले क्या हुआ? बोले कुल्हाड़ी गिर गई। तो सोने की कुल्हाड़ी लेके आई, बोले ये है। बोले हाँ यही है। उसने छीना उसके हाथ से, उसको पानी में फेंक दिया। बोले तुम लोभी हो, भाग जाओ यहाँ से। जो थी वो भी चली गई। तो देखो गुरु महाराज को सब कुछ पता है, आपकी एक एक स्थिति, ये जो कुछ है आपका है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि आप गुरु महाराज के साय में एकदम सुरक्षित हो, बिल्कुल सुरक्षित हो। अगर आप उन पर भरोसा करते हो तो याद रखना आपके ऊपर गर्म हवा भी नहीं लग सकती। यहाँ बैठे हुए कितने लोग गवाह हैं इस बात के। भरोसा डिगने मत देना। पूरे तड़प से, पूरी कशिश से, पूरी शिद्दत से पूरा यकीन रखना। आप उन पर यकीन रखो, वो सर्वसमर्थ है। ये परीक्षा की घड़ी है, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो और बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली जाएंगी। इशारा कर देता हूँ, बड़ी बड़ी परीक्षाएं होंगी। और जब आप नियमित रूप से भजन करोगे तो ये सब बहुत आसानी से पार कर लोगे, बहुत आसानी से। बोलो जय गुरुदेव। तो बड़ा आनंद आप लोगों के साथ आया। जो लोग आज चले जाएंगे उनसे जल्दी मुलाकात होगी। अभी शुक्रवार के सवेरे निकल जाऊंगा, और ये जलगांव भुसावल उस तरफ चला जाऊंगा। चार दिन मैं वापस लौटूंगा और कुछ दिन यहीं रहूंगा, और उसके बाद आपके गया की तरफ आ जाऊंगा। फिलहाल तो यही कार्यक्रम, गया के बाद तक कोई कार्यक्रम अभी तक बना नहीं, और अभी कोई बहुत इरादा नहीं। देखेंगे, मालिक की मौज हो जाएगी। उसके बाद अभी 23 मार्च आप लोग कानपुर में कह रहे हैं, तो ठीक है मैं आऊँगा। बस ये है कि 23 तारीख को सुबह कार्यक्रम करके दोपहर के बाद मैं वहाँ से निकल आऊँगा। तो कोशिश करूँगा कि अगर संभव हो तो मैं आपके पास 21 मार्च को पहुँच जाऊँ। तो 21 और 22 आपके साथ रह लूँगा, क्योंकि मुझे फिर वापस मार्च में लंबी यात्राएं हैं। लेकिन असली यात्रा तो हमारे भीतर से जाती है, और वो यात्रा तो आपको, उसके लिए बड़ा श्रम करना है।
जब आप अपने भीतर जाओगे तब पता चलेगा कि ये खाली आँख खुल जाने भर से नहीं होगा, उसके ऊपर भी बड़ी कारस्तानी, बड़ी मेहनत है। इतना सब सरल मत समझ लेना कि बस आँख खुल गई तो सब हो गया। अरे जब तीजे तिल पे पहुँचते हो तो उसी के बाद तो बहुत सी अनुभूतियाँ हो जाती हैं आपको, और जब ऊपर चढ़ते हो बुल भरम का जो वज्र किवाड़ है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो आपके पीछे दौड़ती, पर कभी इस्तेमाल मत करना इनका। अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो पहले तो कुछ समय बड़ा आनंद आएगा, उसके बाद धूल में मिला देंगे। ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ धूल में मिला देती हैं, ये है ही इसीलिए, इनको प्रकट ही इसीलिए किया गया, ये व्यवस्था का हिस्सा है। बात को समझो, ऊपर जितने भी आकर्षण दिखाई देते हैं सब एक व्यवस्था का हिस्सा है। जो स्वर्ग में जो सुख है, जो वैकुंठ में सुख है, जो हर लोकों में जो सुख है, वो व्यवस्था का हिस्सा है कि आपको खींच लिया जाए और खींच के फिर छोड़ दिया जाए। असली चीज तो बस चुपचाप गुरु महाराज की उंगली पकड़ो और ध्यान बजाने बैठ जाओ। वो जो दिखाएं अनुभव कराएं वो करो और आराम से बैठो। एक बात याद रखना, अगर आपने इतना सा भी अभ्यास किया तो वो आपके खाते में जमा हो रहा, वो कहीं जाता नहीं है, मिटता नहीं है। अब आपको महसूस नहीं होता, अगर महसूस करा दिया जाए तो आप उछलने लगोगे। बहुत से लोग बड़े बड़े कारनामे करने लगते, खुद को सिद्ध घोषित कर देते, फिर क्या होगा, फिर धूल में मिल जाएंगे। तो बड़ा खतरा है आपको दिखा देने में, तो अनुभव तो आपको कराया जाएगा, अनुभव तो बहुत होगा। जब आपसे कहा जाता है कि लग के आज ही कर लो तो वो आज के लिए ही होता है, और उसमें बहुत संकेत होता है। जो चीज़ आपसे कही जाती है जब आप आते हो उस सत्संग में, वो कभी कभी कहा जाता है कि आज बैठ जाना तो काम हो जाएगा, और आप उस बैठने में वो शिद्दत नहीं, वो तड़प नहीं होती, वो भाव नहीं होता। अगर आप बैठ जाते तो वाकई आपका काम हो जाता। तो चलो ऐसा करो कि आज आप लोग जब भोजन कर लेना अपनी अपनी जगहों पर जहाँ जहाँ रुके हो आप लोग, तो पूरे भाव से प्रार्थना कर लेना। आप जहाँ पे चार लोग हैं चार लोग कर लेना, और जहाँ पे 40 लोग हैं वहाँ 40 लोग कर लेना। एक दो प्रार्थना करके आप सब कुछ देर के लिए पहले सुमिरन सुमिरन, उसके बाद ध्यान और भजन, थोड़ी थोड़ी देर अवश्य कर लेना, बैठना ज़रूर। और यहाँ से जाने के बाद में नियमित रूप से बैठते रहना, अनुभूति तो आपको तुरंत करा दी जाएगी। अनुभव तो आपको, जिसको शक है संदेह है वो संदेह किनारे कर दे, अभी अनुभव हो जाएगा। ये संदेह तो तेजाब है जो किसी और को नहीं आपको जलाएगा। तो बड़ा अच्छा लगा, मालिक की दया आपके ऊपर बरसती रहे। कुछ लोगों को अभी जाना है तो वापस चले जाएं वो, और तैयारी करें, जल्दी उनसे मुलाकात होगी। गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में गुहार लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सबका जीवन सार्थक हो जाए। ऊपर के सभी धनियों को प्रणाम करता हूँ और आप सबको और
आपकी आज्ञा चक्र पर विद्यमान आपकी सूरत को जो प्रभु का अंश है प्रणाम करता हूँ। जय गुरु।